मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं गंदा की शौगन उर्फ डाकू मलखान की। और कहो नाग सिंह तुम किधर जा रहे हो, कहो नाग सिंह तुम किधर जा रहे हो। ऐसा है लगता कि कोई मैदा हो मारे, ऐसा है लगता कि कोई मैदा हो मारे, और इसी से हवा में उड़े जा रहे हो, इसी से हवा में उड़े जा। चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट मैं पहली बार देख रहा हूँ। सही बात ये भाई, खुशी का कारण क्या है? जाना जाना है। और मेरे दोस्त मैं खान मैं जा रहा है, मेरे दोस्त मैं खान जा रहा है। हाँ लेकिन मैं कहूँ कुछ बोलो यार। बहुत यार पीने की इच्छा हमारी, बहुत यार पीने की इच्छा हमारी, और मुझे सारी मंजूर बातें तुम्हारी, मुझे सारी मंजूर। जानता है शराब को मैं टैरिफ समझता हूँ, रोड पे देख लेता हूँ कि ठहरी रुकिया यही है मधुशाला, ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। अब तू मिल ही गया है तो बगैर शराब के मैं कहाँ जाऊंगा। यही बात हम भी हमारे में भी है, जब देखते हैं वो लिखा होता है ठहरिए झुकिए नूरिए यही है मधुशाला, झुकिए नूरिए। तो क्या होते हैं बातों से नहीं मानते हैं। ठहरिए रुकिए बता रहे हैं, साले बता रहे झुकिए। अबे सुन बॉडीगार्ड, जो अपने साथ में लाया हूँ शराब अद्धा इंग्लिश का। अरे रखे जाओ इंग्लिश का अद्धा लेकर के, उस साले वो वहां रखे हैं कमरा जाओ। और यार लोहा से बोल बोल बोल, मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है। अरे क्या बात करता है यार तू, जब तक इस कोतवाली में मैं तैनात हूँ तुझे टेंशन लगाने की जरूरत क्या, पैसे नहीं हो तो मुझसे बोल। अरे नहीं यार लीजिए
इसे किसे पौवा रखे कहाँ है? कि हाथ ऊपर नहीं आता है, लौट मारूंगा साले साला तल बड़ोता कहीं का। बहुत ही जल्द तीन पैक बनाओ, एक हमारे लिए, एक हमारे दोस्त के लिए और एक अपने लिए। बे साले सील तोड़ो उसकी। काहे की सील? काहे की सील? नहीं हम सोच रहे तुम हमारी साले सील बता रहे। अगर हम कहीं सील तोड़ देंगे ना तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी और साले फुफ बड़ी बड़ी हो जाएंगी। साला उल्लू का बट्टा, बात का साला बतंगर बनाने वाला बहुत। भतीजा कह दे तो हमको भी हो जाते हैं। नहीं पेटकैया लेता हूँ उसके बाद में हमसे कहो दोनों लोग जबला लगा। साला देखो कहाँ घुमा फिरा करके बात कर रहा है। ऐसी लात मारूंगा साले फुटबॉल हो जाओगे। साली मिस हो गई है साली, बदमाश साली। अरे अरे हां मैं लगा लाग कुछ ना है। अबे कहां से खोल दिया रे? मैंने कहां से खोल दिया साले? अरे भैया साहब चिमटी हमारे पाछे रख दे। पाछे? हां कोल्डन खोले वाले। हां अच्छा अच्छा तो ऐसी जगह साले चिमटे रखे हो हैं? पूरा खांचा फिट गया उसी खांचे में फिट गई चिमटी तुम्हारी। अच्छा 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 बहुत हरामी हो तुम। क्या मालिक आधा बनाएगी पूरा बनाएगी? नहीं पूरा फूस दो हमरे। हमने कहा कि तीन पैक, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हारी जेठानी है ये भौसड़ी? वो इंसान आदमी है उसकी देवरानी होती है। भैया पकड़ो। तो बहुत हार्ड है रे। ये मिटुका छापुर अंडू है। मिटुका छापुर अंडू? मेरे दोस्त शराब पीने पहले से कुछ कहना चाहिए। अगर उधर लड़ाएंगे ना साला उल्लू का पट्टा। तुम हम है न तुम कम हो न हम कम है, इसीलिए तो कहता हूं जानी और यार की है यारी निभाने और यार की है और यारी निभाने। पीले पीले अमर राजा पीले पीले अमर रानी
मिल गए तो लगे जवानी जैसी, लगे तो लगे जवानी जैसी। चल तेरी है मकता बाप। सारे नशे की के सारा नशा हिरन कर दियो। कोई कोई जान जाए हमका का होई गवार है। कोई जान जाए है तुम्हारी बुआ हम तुमका पकड़ ली ने। बता रहे हो पहले कोई जान जाए हमका का होई गवार है। ओफो बस गए का किस्मत से साले मुंडी उड़ा के रख दिए थे। यू कहो दोनों जने अपनी किस्मत से नहीं मेहरबान किस्मत से बचे हो। अपनी मेहरबान किस्मत से बचे हो। आज जो दोनों जने मर जाते हो आज भी तुम दोनों जने की मेहरबान रड़वा हो जाती। चुप। और तुम साले विधवा हो जाती हो। हाँ आदमी के मरने से औरतें रड़वा हो जाती है। रड़वा हो जाती है। अरे उनको राण बोलते हैं। बेवा हो जाती है विधवा हो जाती है विधना साला उल्लू का पट्टा। अरे यार अरे साले हरामी हो। हम बहुत हरामी हो साले। आज के बाद शराब मत पीना हम लोगों के साथ में। लेकिन यार एक बात बता। मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत जल्दी में है। कौन सा बारा तू बनाए घूम रहा है यार। यार मैं हाथ हटा साले। आज जा रहे हैं चौगोला पकड़ रहे हैं। नहीं यार ये झूठ बोला है। मैं पूजा कर रहा था तब तक बड़े भैया ने फोन लगा दिया है। और तुम जानते हो बड़े भैया का हुक्म सर आंखों पर। अच्छा इधर से भाई शोर की आवाज बहुत आ रही है। तुम लोग चुपचाप बैठो ना डंडा लेकर के आऊंगा। ज्यादा शोर मचा साल पीछे बैठा लूंगा। चुप रहो। हाँ यार मैं जानता हूँ कि तुम जल्दबाजी में और तेरे भैया ने किसी काम से भेजा। कौन सा काम है। अरे यार होई कोई काम। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तू जानता है कि तू मेरा दोस्त ही नहीं मेरा भाई है। मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। एक दूसरे की जान ले भी सकता हूँ। कि सारा शहर जानता है सारा शहर जानता है कि इंस्पेक्टर लोहा नाम है मेरा। मैं वो लोहा हूँ कि जिस इंसान के छू जाओ तो क्या हो जाती है टेटनस यानी कि मैं। और मैं वो जहरीला नाग हूँ जो डसता नहीं सीधा निकल जाता हूँ। मैं खुद कानून बनाता हूँ और खुद कानून चलाता हूँ। जब तक इस थाने में तुझे टेंशन करने की जरूरत क्या है। जा बुखारे क्या तेरे बुखारे क्या ग्यारह पॉइंट आदत बुरी है ना। इधर उधर साला घुमाई करता है। बहुत दवा बहन लाइन है खाली या कैप्सूल खवान है। और कौन सा कैप्सूल खवा दिया है। और निहुरा बियान इंजेक्शन खोजते हैं तब जाए सही। निहुरा बियान ये भी कोई भक्षण होता है। निहुरा बियान तुम हरामी हो साले। अरे नूर बयान को साले निहुरा निहुरा बिना बयान बता रहे हो साले। अच्छा ठीक है। ओ जब कब हुआ होत रहो साथ में दोनों जने जब होत रहो और दारू पीने के बाद जब जात रहो तब गाए को यार गीत गावा आज नहीं गायो। अच्छा अच्छा दाता फिर हाँ दाता वाला। ये तेरी मेरी यारी ये मैंने तेरी मारी
कितना हरामी है, है? इतना अच्छा गाना, तेरी मेरी यारी ये दोस्ती हमारी, भगवान को पसंद है अल्लाह को तेरी, ये साला बता रहा मैंने तेरी मारी, बहुत हरामी है साला। दोस्तों आजकल ये जो शराब है बिल्कुल फैशन बन गई है, किसी भी अवसर में देखो, यहाँ तक कि लोग मुंडन करवाने जाते हैं मंदिर में, वहां भी शराब पी करके जाते हैं। हम क्या करें? हमारी दरगोइन ने कहा था कि बाजार को चले जाओ, कुछ मेहमान घर में आएंगे, कथा सामग्री का सामान लेकर के आओ, इसलिए बाजार को हमें जाना है। लेकिन कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा यार, इस हालत में जाऊंगा तो लोग कहेंगे इंस्पेक्टर लोगों ने शराब पी रखी है। लेकिन कुछ नहीं, ये फैशन है तो फैशन है, इसको पीने की आदत आम हो गई, इसको पीने की आदत आम हो गई, तो बतौबा शराब बदनाम हो गई, तो बतौबा शराब बदनाम हो गई, इसको मैं नहीं भैया नाव बलवंत मुखिया है, हमरे वहां घर तीन खत्म हो गई रहे, अपने परिवार में हम तीन लोग हन, एक लड़कौना है भैया उनका नाव हम मलिखान रखे हन, एक बिटियावा है उनका नाव गंगा रखे हन। तो मलिखान भैया पढ़े थे लिखे थे हन, सोचे थे पढ़े लिख जाई तो अगर नौकरी उकरी पाई जाई तो बुढ़ापा हमार सफल हो जाई, और बिटियावा जौन है वह सब घर का काम धाम करते है। आज बताओ तखन भुआ बही कोई देखा, अब तो जो आदमी चार छह महीने से बीमार पड़ा हो, चार पाए पर उठकर खड़ा हो जाए, खेत खलिहान टहल घुमाए, यार दोस्तों से मिले, इससे ज्यादा फायदा क्या होगा? अब परेशान बिटिया ना, अब तो भगवान का भजन कर रहे, आज फिर सुकून मिलेगा, दो चार हेते व्यवहार में चल के बिटिया मिले आए। हाँ, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अभी एक बार दवा लेना पड़ेगा आपको। हाँ। और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे के बिटिया। और अब है जब दोस्त मिल के घर का आईते रह तो गली में है लड़कन से पूछे लागन के भैया पढ़ाई लिखाई का हाल चालू बताई दो, तो कहे लाग तुम यार का है पढ़ाई लिखाई का हाल पूछत, पूछे भैया की बल्दी है न की हमारा लड़कवा जाते पढ़े, कहे ना रे यार काका तुमरे हो मलिखान तो आज कई दिन से पढ़े नहीं जात, तो यह बात सांच है का? बात ये सही है भैया, तीन दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। नहीं जाते तो यू जाते कहाँ है? मैं जानती हूँ जहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लेकिन बताऊंगी नहीं। अरे तो बताइए हो ना, तो हम कैसे जाने? आप हमारी शिकायत करेंगे भैया से, भैया हमको पीटने लगते हैं। तुमका नहीं बताइबा, तुम बताओ। मुझे तो नहीं बताओ। नहीं बताइबा। देखो भैया रोज तैयारी तो कॉलेज जाने की करते हैं, फिर पता नहीं क्या दिमाग में आता है, और वो बाजार में लेबर अड्डा क्या है, वहीं लेबर अड्डा को जाते हैं वहीं से काम ढूंढने, और काम वहाँ मिलता नहीं, लौट कर घर चले जाते, पूरा तीन दिन से यही हाल है। वो तीन दिन से बराबर यहाँ कह रहे हैं, आज भी गए हैं, और अगर काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला होगा तभी घूम कर घर आ रहे हो। बताओ हम सोचे तो पढ़ाई लिखाई जाते हैं, और वही चौदह मांग तीन नौ खींचे तो जाते मंजूरी ढूंढे, बताओ जब बाबू जी बन के जई हो तो मंजूरी हुआ लगाई बोली, ऐसा ही है। आज वो आवे तो देखो हम आवे तो चौदह लगता है।
तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, अरे ठीक तो रहे फिर से उलझ गए हो युगवा। तो तीन दिन से नहीं स्कूल तू जा रहा, तीन दिन से और मेरी आशाओं पर फिर पानी नहीं। आपको लगी रहती है? बताओ आप, हम हर चिंता का दूसरे को हुई। लेकिन पिताजी हाँ, आपको चिंता मेरी पढ़ाई की है, आपको चिंता मेरी करो दूर सारी फिकर। आपको मेरी पढ़ाई की चिंता लगी रहती है, लेकिन मुझे आपकी, क्योंकि एक महीना हो गया है पिताजी आपकी तबीयत खराब हुई है और आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मैं ये सोच रहा हूँ, रात दिन सोचा करता हूँ कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा और आपकी दवाई कहाँ से आएगी। बताओ, हम सोचे तो रहन कुछ पढ़ लिख लिया हो भैया, लेकिन तुम मंजूरी के चक्कर में पड़ गए। लेकिन पिताजी मैं काम की तलाश में जाता हूँ लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता भैया। तो बात तो मेरी कर बेटा और सुनोगे नहीं, हम सोचे तो रहन भैया चार दिन इम्तिहान के लिए रह गए हैं, पेपर ऊपर दे दो भैया, अगर पास हो जाए हो भगवान चाहे तो नौकरी लग जाए, लेकिन तुम आपसे पढ़कर नौकरी कुछ भी नहीं है पिताजी। भैया अगर आपको कुछ हो गया तो हम और गंगा तुम्हारे बगैर चीन ही पाएंगे। बात ये नहीं है,
इनकी दवाई इलाज कराना अब सब बेकार है, ये ठीक नहीं होगी। इतनी सुनो पहले, ये पक्का ठीक नहीं होंगे भैया। ये तू क्या कर रही है गंगा? मैं सही कहती हूँ, इलाज इलाज करना बंद करो। सुनो सुनो सुनो, या ठीक कहते हैं। परसों ही का भगवान मिले रहे कह रहे हैं बलवंत मुखिया बचे हैं नहीं, तब है या कहा दवा करवाना ठीक नहीं। ये बात नहीं है तो कौन बात है, तू बताओ तो। बात ये, डॉक्टर ने मना किया था, कहा था कि बीमारी में दवा से ज्यादा परहेज काम करता है। पिताजी क्या परहेज नहीं करते? अरे भैया आप तो सारा सारा दिन घर रहते नहीं, मुझसे पूछो, ये गांजा पी रहे थे। गांजा? हम गांजा पी रहे और कौन पी रहा था? अरे भैया जब मारे फूल लाग सास भैया नहीं ले पाई तो पर मधवा हुआ जो गेन भैया हु कही तुम आखू मांग लाग और तनिक रख के हम भैया पिए लागे हम गए तनिक सांस रुक जाए। गांजा बताओ वो पर मधवा और ई तीन चार लौंडे और ई सब मिलके चठिया लागे तो खूब गांजा से लगा। झूठ बोल रही है, हम गांजा पी रहे। और भैया भैया सुनो जरा, देखो है गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। गुस्सा दिखा रहे हो, जब डॉक्टर ने मना किया है तो इसीलिए गंगा गंगा मना करती है। और एक बात मानते रहिए भैया, सुनिएगा, वो जो रखा था अचार आधा डब्बा मिर्च मसाला मना किया था डॉक्टर ने, मतलब तेलहन चिकहन सब मना किया था, मिठाई मिठाई और ये सारा सारा अचार सब चुपके चलहन तेलहन चिकहन सब मना किए ना, सबका सब चट गए। या तेल बुला के खुद चल कचौरी को। भैया सुनो बात हमारी, या का फकिया भैया तीन महीने से खाते खाते नमक मिर्चा जब नट्टे में या फांसे जाए लगी तो या का फकिया निकाल, या का फकिया भी हमारे चल बनाए गए। झूठ कहे बोलते हो यार, तू रे का बताओ तो बिटावा पूरी अचारदानी मिर्चा भरुआ बनाई से रहे। हाँ। सब चख गयो मां बताई थे मां, जब अचारदानी में पूरी मंझाई डरे ने पूरी मंझाई डरे अचारदानी, ये को मिर्चा खाली ढूंढे सार मिला, वो एक मिर्चा लिहे लिहे घूम रहे हैं। अब सोचे थे आगे त्योहार आई रहा है, तब अब जो खाई लिया तो त्योहार में का खावे, तब वही मिर्चा लिहे लिहे घूम रहे हैं। यू सांच कहते हैं, अब ये भी झूठ बोल रहा है। हेलो, हाँ हमारे भैया अलीम अलीम सरैया वाले, अगर मेरी याद सुने तो स्टेज के पीछे चले जाए, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तुम अचार दानी मंझाए हो तो एक मिर्चा मिला, यू सांच कहते भैया, यू अचार दानी में यहाँ गवा और मैं तीन दिन रुका और तक सब पूरी अचार दानी ढूंढे। अचार दानी में तीन दिन रुका तो यू मैं मंझाई से रुका, खोल डिब्बा देख रहा है, यू तो कहा तू कम मंझाए तो इसका मतलब दो एक दिन रुका हुई मैं। हाथन मंझाओ एक मिर्चा पाए मिर्चा लिए घूमत बात है ना बना, बात है ना बना, वो दिन हमारी अम्मा से खटाई मांगत रहा यार। बात सही भैया, जब तीन दिन लगातार भैया तभी ठुकरा दे और ठुकरा वो सुखड़ा भैया नमक लागे नट्टी नांगे ना जबान पकड़ा जाए और जैसे तनु जबान लगाए ना और इका गंगुइया के देख लेन भैया ऐसे फेंक दे। भैया देखो दवाई है नहीं, 500 की व्यवस्था करिए, 500 खर्चा लगता है दवाई का, डॉक्टर ने कहा एक बार दवाई और ले लो। ठीक है मैं दवाई लेकर आता हूँ, लेकिन तब तक के लिए काढ़ा बनाओ और पिताजी को पिलाओ। अब काढ़ा वाली बात सुनो, अब सुनो काढ़ा की बात, हम क्या सुनो, चुप भाई जी नहीं के काढ़े के बाद सुनो भैया, या पाढ़े के जर कहूँ काहे के जर कहूँ आंबे के जर ना जाने नींबे के पत्ता ऐसे बनाए दे माहरू का भैया तो पुतौ नट्टी नहीं ना और जो इससे कह दो ले नमक के डरिया ले दो डार दे तनी दिन मां। अरे वो काढ़ा है लेकिन चाय नहीं है भैया, वो बूढ़ी दादी पड़ोस वाली क्या है, वो चाहे मजाक मजाक में इनके लिए कह दिया हो, ये वहाँ बैठते हैं ज्यादा बूढ़ी दादी के पास, तो उन्होंने हमसे कहा जैसा करो बिटिया नीम की पत्ती नीम के छड़ा टीका काढ़ा बनाकर इनको पिला दे ठीक हो जाए। माम जल्दी नहीं पटी जाए और नमक अगर डाल दे तू जो नमक डाल दे तू तो नांग ना नहीं। पिताजी कहते हैं कि नमक डाल दिया करो तो नमक क्यों नहीं डाल दियो, ठीक है आधा किलो नमक डाल दे रहा। बाबूजी गाली मत दिया करो, देखो आधा किलो नमक भी चढ़ चाहते हम पर। सुनो बीमार आदमी को हंसाना चाहिए इसलिए हम भैया बहन मिलकर आपको हंसाया करते हैं। खैर आप बैठो, मैं मीठा काढ़ा बना कर लाती हूँ। देखो भैया लड़का लौंडिया हमारे चिलवावा कट के बप्पा कैसे खुश हो जाए तो इनका जो जब देख लिया